आज के इस वीडियो क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पीरियोडिक टेबल का इम्पोर्टेंट टॉपिक एटॉमिक रेडियस, कोवलेंट रेडियस, वॉन्डरवॉल रेडियस एटसेट्रा एटसेट्रा। हम इसमें देखेंगे एटॉमिक रेडियस में कैसे चेंज होता है। एटॉमिक रेडियस क्या होती है? किसी एटम में उसके न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल की, मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं। पर हम एटॉमिक रेडियस निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि हाइजेनबर्ग के अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन नहीं निकाल सकते। तो अब एटॉमिक रेडियस तो हम निकाल नहीं सकते, तो हमने दूसरी रेडियस को निकालने की कोशिश की। और पहली रेडियस जो निकाली वो थी कोवलेंट रेडियस। कोवलेंट रेडियस के लिए ज़रूरी है कि दो एटम आपस में बॉन्ड बना रखे हों, दो एटम ने आपस में बॉन्ड बना रखे हों, ठीक है ना। तो बॉन्डिंग प्रेजेंट बिटवीन एटम इन ए मॉलिक्यूल इज कोवलेंट एंड रेडियस इज कॉल्ड कोवलेंट रेडियस। अब इस रेडियस को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस एटम के न्यूक्लियस से इस एटम के न्यूक्लियस के बीच की इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गई दोनों एटम्स के बीच की इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, और फिर हम उसको टू से डिवाइड कर देंगे। तो हमें होमो मॉलिक्यूल की कोवलेंट रेडियस पता लग जाएगी। किसकी? होमो मॉलिक्यूल की कोवलेंट रेडियस। तो कोवलेंट रेडियस कैसे निकालेंगे, हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू सिमिलर बॉन्डेड एटम इज कॉल्ड कोवलेंट रेडियस। पर इसमें आई प्रॉब्लम कि अगर दोनों एटम डिफरेंट हुए तब हम क्या करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए सुमाकर और एस्टिमेशन ने एक फॉर्मूला दिया। अगर हमें HCl की रेडियस निकालनी हो, HCl की रेडियस निकालेंगे तो फिर वो फॉर्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि H और Cl का साइज अलग अलग है, तो हम दोनों का आधा नहीं कर सकते। तो इसका निकालने के लिए सुमाकर ने हमें एक फॉर्मूला दिया, और ये फॉर्मूला ये है DAB। इसका मतलब है H और Cl के बीच के डिस्टेंस। ये H की रेडियस है हाइड्रोजन की, और ये Cl की कोवलेंट रेडियस माइनस है, ठीक है ना। फिर 0.09 एक कांस्टेंट वैल्यू है, और ये इन दोनों के बीच के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस को हम इसमें रख देंगे, जिससे हमें HCl की कोवलेंट रेडियस आ जाएगी। तो होमो न्यूक्लियस की निकालने के लिए हम दोनों की इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को निकाल कर दो से डिवाइड कर देंगे। लेकिन अगर एटम हेट्रोजीनियस हुआ, जैसे HCl, तो हम दोनों की कोवलेंट रेडियस जो पिछले मेथड से निकाली है उसको प्लस माइनस करेंगे, और फिर 0.09 कांस्टेंट वैल्यू, और यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से उसको मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दें, ठीक है ना। यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि हम ऑक्सीजन की कोवलेंट रेडियाई कैसे निकालेंगे। ऑक्सीजन की कोवलेंट रेडियाई इनमें से किस मॉलिक्यूल से निकाली जाएगी? तो कोवलेंट रेडियाई निकालने का आसान तरीका है, कोवलेंट रेडियाई सिर्फ उसी मॉलिक्यूल से निकाल सकते हैं जिसमें उन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड हो। तो H2O2 में आप देख सकते हैं OO के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, इसलिए हम ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ को H2O2 से निकालेंगे। और इसी तरह नाइट्रोजन की कोवलेंट रेडियस को हाइड्रोजन की हेल्प से निकालेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन में नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, और दोनों तरफ इन्वायरमेंट भी सेम होता है, मतलब दोनों नाइट्रोजन से दो दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। N2 इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि इसमें एक ट्रिपल बॉन्ड। अब हम आते हैं वॉन्डरवॉल रेडियाई। वॉन्डरवॉल रेडियाई के लिए जरूरी है कि दोनों एटम आपस में बॉन्ड नहीं बनाने चाहिए। दूसरी बात, वो सॉलिड स्टेट में ही होने चाहिए। तीसरी बात, वॉन्डरवॉल रेडियाई सबसे बड़ी रेडियस है, ठीक है ना। और वॉन्डरवॉल रेडियाई कोवलेंट रेडियस का करीब करीब 2 times होता है। तो हम देखते हैं वॉन्डरवॉल रेडियस कैसे निकालते हैं। तो वॉन्डरवॉल रेडियाई कैसे निकालेंगे, ये दो बॉन्डेड एटम है और ये दोनों भी बॉन्डेड एटम है, लेकिन इस एटम और इस एटम के बीच में
कोई भी बॉन्ड नहीं बनाए, तो हमने इस एटम के न्यूक्लियस से इस एटम के न्यूक्लियस तक की डिस्टेंस निकाली और उसको हाफ से डिवाइड कर दिया, तो हमें वंडरवॉल रेडियाई मिल जाएगी। ठीक है ना, वंडरवॉल रेडियाई मोलर मास के या एटॉमिक वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो जिसका एटॉमिक वेट ज़्यादा होगा, वंडरवॉल रेडियस भी उसी की ज़्यादा होगी। इसको हम देख सकते हैं इस एग्जाम्पल से। क्या हमारे पास हीलियम है, हमारे पास नियॉन है, हमारे पास आर्गन है, हमारे पास क्रिप्टॉन है, हमारे पास जिनॉन है और हमारे पास रेडॉन है। क्योंकि रेडॉन का एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए रेडॉन की वंडरवॉल रेडियस सबसे ज़्यादा हो, ठीक है ना। और हीलियम की वंडरवॉल रेडियाई सबसे कम होगी, क्योंकि इसका एटॉमिक वेट सबसे कम होता है। हम चलते हैं आगे। जब हम पीरियड में आगे जाएंगे तो वंडरवॉल रेडियाई, ठीक है ना, एटॉमिक रेडियस जनरली डिक्रीज करती है, लेकिन इनर्ट गैस की वंडरवॉल रेडियाई ही गिवन होती है। तो क्वेश्चन आता है कि पीरियड में सबसे बड़ा साइज किसका, तो पीरियड में सबसे बड़ा साइज इनर्ट गैस का होता है, क्योंकि उनके वंडरवॉल रेडियाई गिवन होती है। जबकि ग्रुप में, जब नीचे जाते हैं, ठीक है ना, तो वंडरवॉल रेडियाई तो होती नहीं है, ये तो सिर्फ इनर्ट गैस में होती है। बाकी सभी ग्रुपों में वंडरवॉल रेडियस या जो भी रेडियस है वो नीचे जाने से बढ़ती है। तो बच्चों, आप तो एक लाइन याद रख लो, उससे ज़्यादातर प्रॉपर्टीज आपकी कंप्लीट हो जाएंगी कि ग्रुप में नीचे जाने से रेडियस बढ़ती है और बाकी तीन प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू डिक्रीज करती है। अब हम पढ़ेंगे आयोनिक रेडियस। आयोनिक रेडियस का मीन्स है कि जब हम किसी एलिमेंट में से इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं तो एनायन बन जाता है, और जब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो कैटायन बन जाता है। तो पहले हम देखेंगे कैटायन। तो हमारे पास एक सोडियम एटम था और सोडियम एटम से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन निकालने से देखो, पहले तीन सेल थे के एल एम, और अब कितने सेल रह गए, दो ही सेल रह गए, के और एल। तो कैटायन बनने में रेडियस कम हो जाएगी क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स कम हो जाते हैं। तो कैटायन हमेशा अपने पेरेंट एटम से छोटा होगा क्योंकि उसमें नंबर ऑफ सेल्स कम हो जाएंगे और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, ठीक है ना। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वाला आंसर कभी भी फेल नहीं होता है, ये नंबर ऑफ सेल्स वाला आंसर कभी कभी फेल हो जाता है। मैं आपको दिखाता हूं एग्जाम्पल। तो हम देखते हैं, जब हम लेड को डिस्कस करेंगे तो जब लेड लेड प्लस टू में है जाएगा तो लेड के सिर्फ एस इलेक्ट्रॉन ही जाएंगे, लेकिन पी इलेक्ट्रॉन ही रिमूव होंगे, लेकिन एस इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी प्रेजेंट होंगे, इसलिए लेड प्लस टू में नंबर ऑफ सेल्स कम नहीं होंगी, लेकिन प्लस टू चार्ज आने की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो लेड प्लस टू का साइज छोटा होगा लेड से, क्योंकि लेड प्लस टू में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो जाएगा लेकिन नंबर ऑफ सेल्स कम नहीं होंगी। लेकिन जब हम लेड प्लस फोर का आंसर देंगे तो इसमें एस और पी दोनों ही इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाते हैं, इसलिए इसका आंसर दोनों हो सकते हैं कि लेड प्लस फोर में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर जाता है और नंबर ऑफ सेल्स कम हो जाती है। हमारे पास एग्जाम्पल है, आयरन की एटॉमिक रेडियस 1.26 एंगस्ट्रॉम है, लेकिन Fe प्लस टू की रेडियस 0.76 एंगस्ट्रॉम है और आयरन प्लस थ्री की रेडियस 0.64 एंगस्ट्रॉम है। इससे हमें पता लगा कि जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा कैटायन के ऊपर, उसकी कैटायन की रेडियस भी कम होती चली जाएगी और इसका कोई एक्सेप्शन भी नहीं है। अब हम डिस्कस करेंगे एनायन की रेडियस। हम पढ़ेंगे एनायन की रेडियस। एनायन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं। तो जब हमने क्लोरीन का कॉन्फिगरेशन 287 था, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो इसका 288 हो गया।
क्लोरीन में 1, 2, 3 सेल्स थी और क्लोराइड आयन में भी 2, 8, 8 तीन सेल थी। तो नंबर ऑफ सेल्स पे कोई भी इफेक्ट नहीं आया है, लेकिन क्लोराइड आयन का साइज बड़ा होगा, ठीक है ना। या बच्चों ऐसे याद कर सकते हो कि एनायन हमेशा अपने पेरेंट एटम से बड़ा होता है, कारण क्लोरीन में 17 प्रोटॉन है और 17 ही इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों का ओवरऑल चार्ज जीरो हो जाएगा। लेकिन क्लोराइड आयन में 17 प्रोटॉन है और 18 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्टिव फोर्स कम हो जाएगा या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो एनायन में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है, इसकी वजह से एनायन हमेशा अपने पेरेंट एटम से बड़ा होगा, तो Cl माइनस Cl से बड़ा होगा। इसके बेसिस पर एक बार क्वेश्चन आया कि IIT 2000 में कि इन तीनों में सबसे बड़ा कौन होगा, तो हमने देखते ही पहचान लिया एनायन अपने पेरेंट एटम से बड़ा होता है और पेरेंट एटम अपने कैटायन से बड़ा होता है, ठीक है ना। अब हम चल रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट, तो एनायन का चार्ज नेगेटिव चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अब हम देखते हैं साइज ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक, और यही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मोस्टली एग्जामों में पूछा जाता है। तो अगर हमें कॉम्पिटिटिव लेवल पर क्वेश्चन करना है, तो सबसे पहली बात हमको ये याद करनी पड़ेगी कि 18 इलेक्ट्रॉन वाला आयंस हमेशा 10 इलेक्ट्रॉन वाले आयंस से बड़ा होता है, ठीक है ना। तो हमने देखा, शुरू किया, ठीक है ना। दूसरी बात, वो आइसोइलेक्ट्रॉनिक ज्यादा बड़ा होगा जिसमें नेगेटिव चार्ज होगा या जिसका एटॉमिक नंबर कम हो, तो उसका साइज बड़ा होगा जिसमें नेगेटिव चार्ज ज्यादा और एटॉमिक नंबर कम होगा। तो हमने देखा कार्बन के पास में 6 इलेक्ट्रॉन थे, 4 इसने ले लिए, तो टोटल इलेक्ट्रॉन 10 हो गए। नाइट्रोजन पर भी 10 हो गए, 7 और 3 10, ऑक्सीजन पर 8 और 2 10, फ्लोरीन पर 9 और 1 10 हो जाएंगे, नियॉन में 10 ही हैं, और सोडियम प्लस में हो जाएंगे 11 माइनस 1 10, और मैग्नीशियम में 12 माइनस 2 10, एल्यूमिनियम में 13 माइनस 3 10, सिलिकॉन में 14 माइनस 4 10, और फास्फोरस में 15 माइनस 5 10, सल्फर में 16 माइनस 6 10, और क्लोरीन में 17 माइनस 7 10। मतलब सब में ही इलेक्ट्रॉन बराबर हैं। तो अब बच्चों इनमें सबसे बड़ा कौन होगा? सबसे बड़ा होगा कार्बन -4। क्यों होगा? क्योंकि कार्बन पर सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज है और इसका एटॉमिक नंबर सबसे कम है। अब हम आते हैं 18 इलेक्ट्रॉन वाले एनायन की तरफ। हमने देखा फास्फोरस 15 था, 3 इलेक्ट्रॉन लिया, 18 हो गए। सल्फर ने 16 में 2 इलेक्ट्रॉन लिया, 18 हो गया। क्लोरीन ने 17 में 1 इलेक्ट्रॉन लिया, 18 हो गया। आर्गन ने 18 के 18 है, पोटेशियम ने एक लूज कर दिया, 19 में से 18 रह गए, और कैल्शियम ने भी 20 में से 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। तो अब सारे ही आयन्स आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गए और इनके पास है 18 इलेक्ट्रॉन। अब बच्चों इनमें सबसे बड़ा कौन होगा? तो हम बार बार बोल रहे हैं कि नेगेटिव सबसे बड़ा होता है, तो सबसे बड़ा फास्फोरस हो जाएगा, फिर सल्फर, फिर क्लोरीन, फिर आर्गन, फिर पोटेशियम, फिर कैल्शियम। अब हम डिस्कस करते हैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारे सामने क्वेश्चन है, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, सल्फाइड -2, क्लोराइड माइनस, नाइट्राइड और ऑक्साइड में सबसे बड़ा कौन होगा? जनरली बच्चों को ये रटा हुआ होता है कि जिस पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा होता है वो बड़ा होता है, लेकिन इसमें ये रूल फेल हो जाएगा। तो बच्चों हमें याद रखना पड़ेगा कि 18 इलेक्ट्रॉन वाला 10 इलेक्ट्रॉन वाले से बड़ा होता है। तो हमने जब देखा तो इन दो में 18 इलेक्ट्रॉन है, जबकि इन दोनों में 10 इलेक्ट्रॉन ही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ये दोनों इन दोनों से बड़े होंगे। अब इन दोनों का हमने आपस में कंपैरिजन किया, तो 18 वाले का कंपैरिजन 18 से कर सकते हैं, क्योंकि सल्फर पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, इसलिए सल्फर का साइज बड़ा होगा क्लोराइड से, और क्लोराइड का साइज इन दोनों से बड़ा होगा क्योंकि इनके पास कुल
10 ही इलेक्ट्रॉन है। अब 10 वालों में कंपैरिजन करें तो नाइट्रोजन बड़ा होगा ऑक्सीजन से। क्यों बड़ा होगा? क्योंकि नाइट्रोजन के पास ज्यादा नेगेटिव चार्ज है। अब हम देखते हैं, हमारे सामने क्वेश्चन है कि लिथियम प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, बेरियम प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, और बोरॉन प्लस 3 2 इलेक्ट्रॉन, तो सब में ही दो दो इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे बड़ा कौन होगा? तो हमने देखा बोरॉन के ऊपर सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए बोरॉन प्लस 3 सबसे छोटा हो जाएगा और लिथियम प्लस सबसे बड़ा हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से आने से साइज कम हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, हमारे पास कोबाल्ट है, कोबाल्ट प्लस 2 है, कोबाल्ट प्लस 3 है, इन तीनों में सबसे बड़ा कौन होगा? इसमें सबसे बड़ा होगा कोबाल्ट और सबसे छोटा कौन सा होगा? कोबाल्ट प्लस 3। तो हमने बच्चों यहाँ पर क्या सीखा कि पॉजिटिव चार्ज बढ़ने से साइज कम होता जाता है और हम कर लेते हैं साइज के कुछ क्वेश्चन जिससे हमारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। कहता है कि एक A2 कंपाउंड है जिसकी टोटल इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस 1.4 A है। तो हमने देखा दोनों एटम सेम है, तो कोवलेंट रेडियाई निकालने के लिए 1.4 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर इसका फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमने देखा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कि एक कंपाउंड है AB जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.9 है और एटॉमिक रेडियस दोनों की 4 और 3 एंगस्ट्रॉम है, तो और द डिस्टेंस बिटवीन AB मींस DAB कितनी होगी, ठीक है ना। तो अब हमने इसके लिए हमें सुमाकर स्टीवेंशन फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और सुमाकर स्टीवेंशन फॉर्मूला क्या होगा मैं आपको दिखाता हूं। तो हमने देखा सुमाकर स्टीवेंशन फॉर्मूला ये होता है DAB और RAB, अब यहां पर प्लस साइन आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, और ये हो जाएगा 0.009 डेल एक्स, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, एक ही रेडियस 4 यहां पर रख देंगे, 3 को यहां पर रख देंगे, माइनस साइन आएगा 0.09 और डेल एक्स की वैल्यू कितनी है 1.9। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको आंसर नंबर सेकेंड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है HCl के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है ना, और उसने हमें दे रखा है हाइड्रोजन की रेडियस 1 एंगस्ट्रॉम और क्लोरीन की रेडियस 0.6 एंगस्ट्रॉम और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस उसने 0 लिया है। तो जब हम इसमें रखेंगे, ठीक है ना, जब हम इस फॉर्मूले में यहाँ पर रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो 0 को 0.09 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा और आर ए और आर बी को जोड़ेंगे तो दोनों के बीच की डिस्टेंस अप्रॉक्स 1.60 एंगस्ट्रॉम हो जाएगी, इसलिए इसका आंसर नंबर 3 हो जाएगा। हम आगे चलते हैं, हमारे पास ब्रोमीन गैस है जिसके बीच की इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस 3.2 है, तो ब्रोमीन की रेडियस निकालने के लिए ये होमो मॉलिक्यूल है इसलिए 2 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा फर्स्ट। हम चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसमें हाईएस्ट वंडरवॉल रेडियस होगी और वंडरवॉल रेडियस के लिए वो उसकी रेडियस ज्यादा होगी जिसका मोलर मास या एटॉमिक वेट ज्यादा होगा। हमने देखा कि ये सारे ही एक ही ग्रुप के हैं, तो ग्रुप में नीचे जाने पर आयोडीन का मोलर मास सबसे ज्यादा होगा, इसलिए आयोडीन की वंडरवॉल रेडियस इन सब में ज्यादा होगी, तो आंसर 4 हो जाएगा। विच वन फॉलोइंग एटम हैज स्मॉलेस्ट साइज, इनमें सबसे छोटा साइज हाइड्रोजन का होगा क्योंकि ये 1s1 है, और इनमें सबसे बड़ा साइज किसका होगा? तो हमने देखा ये दोनों एस ब्लॉक है और ये जिनॉन है। जिनॉन की वंडरवॉल रेडियाई गिवन होती है, तो किसी भी पीरियड में सबसे बड़ा एटम जिनॉन का होता है। अब हम लास्ट टॉपिक की तरफ आ गए हैं जिसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर एटॉमिक रेडियस को इफेक्ट करते हैं और
बेसिकली हम ज्यादातर देख चुके हैं, तो हम देखते हैं फर्स्ट न्यूक्लियर अट्रैक्शन। अगर न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ता है तो एटॉमिक रेडियस कम हो जाती है, या फिर इसको जेड इफेक्टिव भी कहते हैं। और ये न्यूक्लियर अट्रैक्शन बेसिकली पीरियड का आंसर है, तो पीरियड में न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ने से एटॉमिक रेडियस कम हो जाती है, ठीक है ना। अब आते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या नंबर ऑफ सेल्स, ये ग्रुप का आंसर होता है, क्योंकि ग्रुप में नीचे जाने पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाती हैं, इसलिए ग्रुप में हमेशा साइज बढ़ जाता है। अब हम आते हैं थर्ड फैक्टर, जिसको हम कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से कभी कभी कुछ एलिमेंट के साइज कम हो जाते हैं, और उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, स्क्रीनिंग इफेक्ट का सबसे अच्छा आंसर या तो लैंथेनाइड होते हैं। लैंथेनाइड में जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है, लैंथेनाइड का साइज डिक्रीज करता जाता है, जिसे हम लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। और ये टॉपिक मैंने स्क्रीनिंग इफेक्ट का अलग से लैंथेनाइड में डिस्कस किया है, तो हम यहाँ पर पी ब्लॉक का एक एग्जाम्पल देखेंगे, जो 11th क्लास का एग्जाम्पल है कि एल्यूमिनियम और गैलियम में से किसका साइज बड़ा होगा। नॉर्मली ग्रुप में नीचे जाने पर साइज इंक्रीज करता है, लेकिन एल्यूमिनियम का साइज गैलियम के साइज से थोड़ा सा गैलियम का साइज एल्यूमिनियम के साइज से थोड़ा कम होता है, जबकि होना चाहिए था ज़्यादा। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि गैलियम में 3D में फिलिंग हो जाती है, और 3D में 3D की शील्डिंग पावर या स्क्रीनिंग पावर बहुत पुअर होती है, तो गैलियम का न्यूक्लियस वैलेंसी सेल के इलेक्ट्रॉन को अंदर खींच लेता है, जिसकी वजह से एल्यूमिनियम का साइज गैलियम के साइज से ग्रेटर हो जाता है। ये NCERT बुक का क्वेश्चन है, और 11th क्लास में अक्सर पूछा जाता है। तो अक्सर पूछा जाता है गैलियम का साइज एल्यूमिनियम से छोटा क्यों होता है? क्योंकि गैलियम के 3D इलेक्ट्रॉन के पुअर शील्डिंग पावर की वजह से गैलियम का साइज छोटा हो जाता है। लास्ट फैक्टर जो बॉन्ड को इफेक्ट करता है, मल्टीप्लिकेसिटी ऑफ बॉन्ड, मतलब जितने बॉन्ड ज़्यादा बनेंगे दो एटम्स के बीच में, उतने ही बॉन्ड लेंथ कम होती चली जाएगी। तो नंबर ऑफ बॉन्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। तो आप देख सकते हैं कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए इसकी रेडियस कार्बन की 0.77 एंगस्ट्रॉम है, जबकि इथीन में डबल बॉन्ड बना हुआ है, मींस कार्बन ने दो बॉन्ड बनाए हैं, इसलिए इथीन में कार्बन की रेडियस 0.67 एंगस्ट्रॉम हो जाएगी, और इथाइन में इसकी रेडियस और कम हो जाएगी, क्योंकि इथाइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, या फिर एस करेक्टर बढ़ने से एटॉमिक रेडियस कम हो जाती है। तो आज हम सिर्फ इतना ही डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।